Hello friends, I am Dr. Princy Khandelwal, practicing homeopathy for the last 10 years. Today, first of all, I want to tell you about homeopathy. What is homeopathy? Homeopathy क्या है? Homeopathy एक natural medical science है जिसमें medicines natural substances से एक precise standard पर prepared की जाती है. Homeopathy को लेकर आम जनता में कुछ myths हैं, मैं उन्हें clear करना चाहूँगी. Homeopathy medicines को slow work करती है. Homeopathic medicines के काम करने का तरीका actually कुछ different होता है. Homeopathic medicines आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी बॉडी को डिजीज से फाइट करने के लिए प्रिपेयर करती है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो वर्क करती है. होम्योपैथिक मेडिसिन प्लेसिबो नहीं होती है. होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता है. होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई विशेष परहेज नहीं होता है. होम्योपैथिक मेडिसिन डायबिटिक पेशेंट्स भी इजीली ले सकते हैं. मीठी गोलियां होने के बावजूद भी इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा. होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में एलोपैथिक मेडिसिन भी जरूरत पड़ने पर ली जा सकती है. आज हम होम्योपैथी से हेयर फॉल के बारे में ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे. होम्योपैथी एंड हेयर फॉल. हेयर फॉल जैसा कि नाम से ही जानते हैं, स्कैल्प या हेड से बालों का गिरना, इसे एलोपेशिया भी कहते हैं. इसमें बालों का घनापन कम हो जाता है. 40 से 80 हेयर डेली गिरना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इससे अधिक मात्रा में यदि आपके बाल गिरते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है. हेयर फॉल के कई वेरियस रीजंस होती हैं, लेकिन उनके रीजंस को समझने से पहले हमें हेयर की ग्रोथ स्टेजेस को समझना होगा. हेयर ग्रोथ की 3 स्टेजेज होती है. फर्स्ट एनर्जन फेज. एनर्जन फेज में हेयर ग्रो करता है, यह एक एक्टिव फेज होती है और 2 से 7 साल तक यह फेज चलती है. सेकेंड कैटेजन फेज. कैटेजन फेज एनर्जन फेज के जस्ट बाद में शुरू होती है. इसमें हेयर की ब्लड सप्लाई धीरे धीरे बंद होने लगती है और हेयर डेड होने लगता है. यह 10 से 14 दिन तक चलती है. थर्ड एंड लास्ट फेज डिलुजन फेज. यह एक रेस्टिंग फेज होती है. इसमें डेड हेयर गिरने लगते हैं एंड हेयर फॉलिकल्स इनएक्टिव या रेस्टिंग फेज में रहते हैं. हेयर ग्रोथ के स्टेजेस समझने के बाद में हम हेयर फॉल के रीजंस पर डिस्कस करेंगे. वेरियस कॉजेज ऑफ हेयर फॉल. फर्स्ट स्किन डिजीजेज ऑफ स्कैल्प और हेड लाइक फंगल इन्फेक्शन जैसे टीनिया कैपेटिस, डैंड्रफ, एक्जिमा ऑफ स्कैल्प एंड लाइकेन प्लेनस. सेकेंड जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेल एंड फीमेल पैटर्न बालनेस में. थर्ड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जैसे आयरन और प्रोटीन की कमी से हेयर फॉल होता है. फोर्थ हार्मोनल चेंजेस जैसे चाइल्ड बर्थ और मेनोपॉज के समय हेयर फॉल होता है. कुछ एक्यूट डिजीजेस जैसे टाइफाइड और एरिसोप्लास्ट के बाद में डिफ्यूज हेयर लॉस होता है. थर्ड फिफ्थ कुछ मेडिसिन जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, स्टीरोइड्स और कैंसर की मेडिसिन कीमोथेरेपी, इन सब के बाद में डिफ्यूज हेयर लॉस होने लगता है. फिजिकल ट्रॉमा टू हेड जैसे इंजरी टू हेड. नेक्स्ट इमोशनल ट्रॉमा. इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसे किसी फैमिली मेम्बर का सडन लॉस हो जाना, उससे इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से हेयर लॉस होता है. जनरल डिजीजेस जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्स और ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से भी डिफ्यूज हेयर लॉस हो सकता है. ऑटोइम्यून रिलेटेड हेयर लॉस भी होता है. नाउ वेरियस पैटर्न्स ऑफ हेयर लॉस. एलोपेशिया एरियाटा. एलोपेशिया एरियाटा में स्कैल्प के पर्टिकुलर एक पार्ट से, एक स्पॉट से हेयर लॉस होता है, इसे हम एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं. नेक्स्ट एलोपेशिया टोटेलिस. एलोपेशिया टोटेलिस को बाल्डनेस भी कहा जाता है. इसमें पूरे स्कैल्प से हेयर लॉस होता है. नेक्स्ट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. इसमें मेल एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस आता है, जिसका मेन रीजन हार्मोनल एंड जेनेटिक फैक्टर होता है. और मेल पैटर्न बाल्डनेस फीमेल पैटर्न बाल्डनेस से मोर कॉमन होता है. नेक्स्ट टिलोजन इफ्लूवियम. इसमें हेयर थिन होने लगते हैं, पूरे स्कैल्प से हेयर की डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और टिलोजन फेज में हेयर जल्दी एंटर करते हैं, इस वजह से ऐसा डिफ्यूज हेयर लॉस होता है. हेयर लॉस के सभी स्टेजेस रीजंस को समझने के बाद में हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हेयर लॉस के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट होम्योपैथी में अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथी में कंप्लीट केस हिस्ट्री और सिम्टम्स को लेकर ही ट्रीटमेंट दिया जाता है. इसलिए आप किसी अच्छे होम्योपैथ से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और हेयर फॉल को कंट्रोल करें. एंड यू कैन डिस्कस मी ऑल्सो एट माई क्लिनिक. एंड माई क्लिनिक एड्रेस इज B79 अशोका इनक्लेव पार्क 2 सेक्टर 37 फरीदाबाद. थैंक यू वेरी मच.